Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share all important current affairs of 25th June. For PDF of this video, you have to download our app Next Exam IQ. Link is in the description. App mein sare PDF aapko ek saath mil jate hain. So without wasting any further time, let's start this important video. So let's start with this important questions based on recent appointments. Isse pehle humne May month ki important appointments plus sports current affair already khatam kar liye. नाउ अप्रैल मंथ के 10 क्वेश्चंस में ऑलरेडी ले आया था. नाउ विद दिस 11 क्वेश्चंस आपके अप्रैल मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं कवर हो जाएंगे. तो उम्मीद करूंगा ये आपको पसंद आ रहा है इस तरीके की स्ट्रेटजी. सो इनके आंसर्स आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएंगे. आप पहले खुद आंसर जरूर बताने की कोशिश करें सो डैट कि आप खुद को भी चेक कर पाएं. आंसर्स एट द एंड ऑफ द वीडियो क्रॉस चेक कर लेना. शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली क्वेश्चन फॉर यू. फर्स्ट क्वेश्चन इज गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड किसे अपॉइंट किया गया. News Managing Director and CEO of Central Bank of India, CEO of Unique Identification Authority of India किसे अपॉइंट किया गया. हमारे इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्हें अपॉइंट किया गया एज एम्बेसडर ऑफ एलिस्टा, ए ट्रेडिंग कंपनी बेस्ड इन यूए. यूए की एक ट्रेडिंग कंपनी है. इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर हमारे इंडियन क्रिकेटर हैं. आपको बता रहे हैं इनका नाम. फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी ऑफ यूएस आर्मी. न्यू गवर्नर ऑफ गोवा कौन बने ये बताइए. Who has been appointed as the external auditor of organization for the prohibition of chemical weapons? ये बताइए. First woman chairperson of National Association of Software and Service Companies किसे बनाया गया. Reserve Bank of India basically central government ने appoint किया economic affairs secretary. इनका नाम बताने ने appoint किया गया as the director on central board of Reserve Bank of India. आपको बताना है CMD of Bharat Earth Mover Limited किसे appoint किया गया. And final question is, which cricketer has been appointed as the brand ambassador of ASICS Japan based company? तो किसे brand ambassador appoint किया गया. इनके answers आप at the end of the video check करेंगे. शुरू करेंगे current affairs. Which state government have decided to give 6 crore rupees to Olympic gold winners? यानी कि जो भी Olympics में gold जिताएगा, okay? तो उसको 6 करोड़ रुपया दिया जाएगा. ये सरकार 6 करोड़ रुपये एज ए लाइक प्राइज देगा, एज ए अवार्ड देगा. तो ये देगा हरियाणा. नॉट ओनली गोल्ड विनर को 6 करोड़ रुपया गोल्ड विनर को मिलेगा, जो सिल्वर जिताएगा ओके उसको 4 करोड़ रुपया मिलेगा, एंड जो ब्रॉन्ज मेडल जिताएगा उसको 2.5 करोड़ रुपया, 2.5 करोड़ रुपया मिलेगा. विद दिस कैश मनी कैश प्राइज सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब भी प्रोवाइड की जाएगी हरियाणा द्वारा. अनाउंसमेंट किया गया ओके. अब बात करेंगे हरियाणा की. हरियाणा की कैपिटल, सीएम, स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, केम इनटू एग्जिस्टेंस, फाउंडेशन डे, ये बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी. करंट अफेयर्स ऑफ हरियाणा हम डिस्कस करेंगे. इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हरियाणा के. अभी रिसेंटली हरियाणा द्वारा एक पॉलिसी, हरिहर पॉलिसी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ एबंडन एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन, तो ये हरियाणा द्वारा स्टार्ट किया था ये याद रखें. कोविड इमरजेंसी लोन स्कीम हरियाणा द्वारा स्टार्ट किया गया था सो डैट कि जो भी हमारे लाइक जो भी स्टार्टअप्स हैं, जो भी काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स एंड सिलेंडर्स बना रहे हैं, उनको लोन प्रोवाइड किया जा सके ओके. जो भी स्टार्टअप्स हैं उनको लोन्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे. उसके बाद हरियाणा ने स्टार्ट किया था ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म. इसमें जितनी भी पंचायत्स हैं उन्हें डिजिटाइज करने का, यानी कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए पंचायत्स में ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म ओके. उसके बाद हरियाणा द्वारा ब्लैक फंगस को ए नोटिफाइड डिजीज डिक्लेयर किया गया था. याद रखें ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस ओके. उसके बाद संजीवनी परियोजना हरियाणा द्वारा ही स्टार्ट किया गया था कोविड-19 पेशेंट्स को घर पे ट्रीट करने के लिए ओके. उसके बाद ऑक्सीजन ऑन व्हील्स इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था. इसमें ऑक्सीजन ऑन व्हील्स आपको प्रोवाइड किया जाता था हरियाणा में ओके. उसके बाद हमारे लेफ्टिनेंट जनरल मजिंदर सिंह ने अपॉइंट किया गया एज़ द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ वेस्टर्न कमांड. तो अब ये था न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि वेस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर्स आपको हरियाणा में ही मिलेंगे ओके. उसके बाद फ्लिपकार्ट सेटअप करेगा एशिया का लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर हरियाणा में. याद रखें हरियाणा सरकार द्वारा लैंड दिया गया फ्लिपकार्ट को. उसके बाद मुख्यमंत्री अनंतोदया परिवार उत्थान योजना ओके. इस योजना के तहत सरकार ने डिसाइड किया कि जो भी हमारी फैमिलीज हैं जिनकी सालाना इनकम 1 लाख से कम है तो उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा एंड कुछ योजनाओं, कुछ बेनिफिट्स वगैरह दिए जाएंगे अंडर दिस योजना. उसके बाद विच स्टेट गवर्नमेंट है डिसाइडेड टू गिव 6 करोड़, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ. हरियाणा देगा 6 करोड़ रुपये जो गोल्ड जिताएगा. सो विद दिस हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हरियाणा के मैंने आपके रिवाइज करवाए. उम्मीद करूँगा पसंद आ रहे.
अब स्पेशल ई बुक भी आपके लिए लास्ट सिक्स मंथ करंट अफेयर्स के दिसंबर से लेकर मई मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं स्पेशल ई बुक में आपको मिल जाएंगे. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. डू चेक फॉर ऑल द एग्जाम्स इंक्लूडिंग बैंकिंग एग्जाम्स. सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ आप देख सकते हो. आगे बढ़ते हैं. फिर रिसेंटली सेकेंड इंडियाज ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग जिसे लॉन्च किया गया 23 जून को, लक्ष्य तेरे सामने है. डेट मीन योर गोल इन इज इन फ्रंट ऑफ यू. आपको ये बताना है कि सॉन्ग किसके द्वारा कंपोज किया गया एंड सिंगर कौन है इस सॉन्ग के. ये दिस इज द क्वेश्चन. तो मोहित चौहान है इस सॉन्ग के सिंगर एंड सॉन्ग का टाइटल याद रखें लक्ष्य तेरे सामने है. ओके, योर गोल इज इन फ्रंट ऑफ यू. तो ग्रैब इट. ओके, सो उसके बाद ये तो हो गया जी. उसके बाद मास्कट भी आपको याद रखना है टोक्यो ओलंपिक्स का, ये भी इंपॉर्टेंट है, एडिशनल इंक्लूड किया गया. मारिया तोवा इज अ मास्कट एंड बेसिकली जापानीज वर्ड है. मारिया मीन्स फ्यूचर एंड तोवा मीन्स एटर्निटी. उसका मतलब क्या है कि विश डैट टोक्यो ओलंपिक्स 2020 विल लीड टू ए फ्यूचर ऑफ एवर लास्टिंग होप इन द हार्ट्स ऑफ एवरी वन अराउंड द वर्ल्ड. तो ये मास्कट का मारिया तोवा भी याद जरूर याद रखें एंड सॉन्ग का टाइटल भी याद रखें, इसके सिंगर का नाम भी आप याद रखें. ओके, उसके बाद एम्बलम आर सेवलम has been appointed as a speaker of which state or UT assembly. तो किस state और UT के speaker appoint किए गए, ये हुए हैं जी पुडुचेरी के. okay, पुडुचेरी is the correct answer. पुडुचेरी की CM आपको याद रखना है. एंड रंगस्वामी कुछ टाइम पहले अपॉइंट हुए थे. आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम याद रखना है, तमिलसाई साउंडरंजन. एंड यू नो पुडुचेरी हर घर जल. ओके, हर घर जल प्रोवाइड करने वाला ये लाइक यूटी बना है. देखो विद दिस पुडुचेरी भी है एंड अंडमान एंड निकोबार भी, ये दोनों हर घर जल प्रोवाइड करने वाले यूटीज बने थे. ओके, वो आप याद रखें. एंड इसके बाद गवर्नर का नाम याद रखें. एंड यू नो देखो हमारी यूटीज में अगर बात करें तो पुडुचेरी एंड न्यू दिल्ली दो यूटीज हैं जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है राइट नाउ. बट जम्मू एंड कश्मीर में भी लेजिस्लेटिव असेंबली है. लेजिस्लेटिव असेंबली मीन टू से वहाँ CM होगा. हालांकि अभी राइट नाउ J&K में इलेक्शंस होने बाकी हैं आफ्टर डिलिमिटेशन एंड बट तीन यूटीज ऐसी हैं जहाँ विद लेजिस्लेटिव असेंबली, बाकी रेस्ट ऑफ द यूटीज विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली. वहाँ से लेफ्टिनेंट गवर्नर बाकी जो भी है वो सेंटर द्वारा उन्हें कंट्रोल किया जाता है. ओके, आई होप क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. शूटिंग रेंज टू बी रीनेम्ड आफ्टर चंद्रो तोमर. ठीक है, चंद्रो तोमर इनका निधन हुआ था. शूटर दादी के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस थी ये, उत्तर प्रदेश की थी. सो शूटिंग रेंज इन उत्तर प्रदेश टू बी रीनेम्ड आफ्टर हर. सो UP इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, ऑन विच डे इंटरनेशनल ओलंपिक डे इज ऑब्जर्व. इसे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, 23 जून को. 23 जून को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है. थीम फॉर दिस ईयर इज स्टे हेल्दी स्टे स्ट्रॉन्ग स्टे एक्टिव विद हैशटैग ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेडक्वार्टर्स आपको ल्यूसेन स्विट्जरलैंड में मिल जाएंगे एंड इसके जो प्रेसिडेंट हैं थॉमस बैक, वो आप याद रखें. आगे बढ़ते हैं. हु हैज बीन नेम्ड एज कैप्टन ऑफ 16 मेंबर ओलंपिक बाउंड मेंस हॉकी टीम. मेंस एंड वुमेन्स दोनों याद रखना है. मेंस की अगर बात करें इसमें मनप्रीत सिंह का नाम आप याद रखें, वहीं अगर वुमेन्स की बात करें तो रानी रामपाल का नाम आप याद रखें. ओके, तो मनप्रीत सिंह फॉर मैन एंड रानी रामपाल फॉर वुमेन कैप्टन, ये आप याद रखें दोनों में नाम. आगे बढ़ते हैं जी. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज क्राउन्ड फर्स्ट ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इन्होंने जीत लिया है, अनफॉर्चुनेटली इंडिया नहीं जीत पाई. ओके, देखो इसमें बेसिकली अभी एक कई स्टूडेंट्स को समझ नहीं है, सर पूछे सर ये किस बेस पे ये चैंपियनशिप होगी, कुछ और मैच तो हुए नहीं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कैसे होगी, फाइनल कैसे हो गया. देखो इसमें बेसिकली रैंकिंग देखी जाती है, जो भी टॉप थ्री कंट्रीज थी, बेसिकली टॉप थ्री कंट्रीज में इंडिया था, उसमें न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया था. टॉप टू कंट्रीज थी उनका आपस में बीच में फाइनल था. ओके, बेस्ड ऑन रैंकिंग्स. सो इंडिया न्यूजीलैंड का फाइनल था. इंडिया का जो इंडिया ने टारगेट 139 का टारगेट दिया था ओनली, तो न्यूजीलैंड ने इजिली इसे चेज कर लिया 6th डे. हालांकि टेस्ट मैच 5 डेज के होते हैं बट ये एक रिजर्व डे रखा गया था क्योंकि काफ़ी बड़ा डे था, काफ़ी बड़ा फाइनल था, इसलिए एक डे रिजर्व था. तो 6th डे में ये न्यूजीलैंड ने इंडिया को हरा के चैंपियनशिप जीत लिए एंड 144 ईयर्स में फॉर द फर्स्ट टाइम इस चैंपियनशिप को करवाया गया एंड जीत लिया. इंग्लैंड में हुआ था ये एंड इसमें मैन ऑफ द मैच एंड मैन ऑफ द सीरीज जरूर याद रखें. मैन ऑफ द सीरीज केन विलियमसन रहे एंड काइली जेमिसन ये रहे इन्हें मतलब प्लेयर ऑफ द मैच. ओके, उसके बाद विच स्टेट CM लॉन्चेस एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम. एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम कौन सी राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया, इसे स्टार्ट किया गया मुख्यमंत्री ऑफ गुजरात विजय रूपानी.
इसके तहत क्या किया जाएगा विद द एम ऑफ मेकिंग एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल इन द ट्राइबल एरियाज ऑफ द स्टेट। ओके, तो ट्राइबल एरियाज के जो भी खेत वगैरह हैं वहाँ के एग्रीकल्चर लैंड को सूटेबल सस्टेनेबल बनाने के लिए इसका उसको स्टार्ट किया गया। योजना का नाम याद रख लीजिएगा, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग टॉप्स इनॉग्रेट लिस्ट ऑफ टॉप फिलेंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी। सो प्रीवियस सेंचुरी, लास्ट सेंचुरी, जो हमारा सेंचुरी, यू नो, 100 साल का सेंचुरी होता है, अभी 21वां सेंचुरी चल रहा है, 20वें सेंचुरी में सबसे ज़्यादा जो डोनेशन, सबसे ज़्यादा चैरिटीज किसने की है, उसका एक लिस्ट निकाला गया फॉर द फर्स्ट टाइम। सो आपको ये बताना है कि इसमें टॉप किसने किया। इसमें टॉप किया जैम सैद जी नुसुरवान जी टाटा। दिस लिस्ट हैज़ बिन टॉप बाय जैम सैद जी नुसुरवान जी टाटा। ओके, इंडियन पाइनियर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फाउंडर ऑफ टाटा ग्रुप द्वारा इन्हें टॉप किया गया। एंड ये रिपोर्ट बेसिकली निकाला किसने, दिस रिपोर्ट हैज़ बिन कंपाइल्ड बाय हुरन रिसर्च एंड एडेलगे फाउंडेशन। एंड इसमें अगर टोटल अगर मैं डोनेशन की बात करूँ इस सेंचुरी में, ओके, मुंबई बेस्ड ये जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे इंडियन पाइनियर, इन्होंने जो डोनेशन पूरा किया अगर मैं बात करूँ 102.4 बिलियन इन द सेंचुरी 100 साल के तहत। ओके, ये ऑर्गेनाइजेशन के तहत, ओके, फाउंडेशन किया। इसमें अगर हमारे टॉप 50s में अगर मैं बात करूँ तो उसमें हमारे एक और लीडर भी हैं, आजिम प्रेम जी, वो 12th नंबर पे आए। बिल गेट्स एंड मिलिंडा फ्रेंच गेट्स फाउंडेशन, ये 2nd नंबर पे रहा ये फाउंडेशन। तो आपको फर्स्ट याद रखना है, सेकंड याद रख लो, एंड टॉप 50 में हमारे और कौन से इंडियन आए, आजिम प्रेम जी जो चेयरमैन है विप्रो के, फॉर्मर चेयरमैन थे विप्रो के, ये 2nd नंबर, ये मतलब 2nd इंडियन बने इन 50 लिस्ट में। उसके बाद विच सिटी रैंक्ड एज वन ऑफ द टॉप 5 टेक्नोलॉजी सेंटर इन एशिया पैसिफिक रीजन। तो एशिया पैसिफिक रीजन में अगर मैं बात करूँ टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग कहाँ ज़्यादा बेटर हो रहा है टेक्नोलॉजिकल वेज में, तो इसमें हमारा एक इंडियन सिटी है जो 3rd नंबर पे आया है एंड टॉप 5 में इसने अपनी जगह बताई। तो इसमें टॉप 5 में जगह पूछ रहा है, तो टॉप 5 में यहाँ बेंगलुरु आया। ओके, याद रखें टॉप पे, टॉप 2 में तो दोनों चाइना की सिटी हैं, 3rd नंबर में हमारा इंडिया है बेंगलुरु। ओके, वेट लिफ्टर लॉरेल हुबर्ट विल बी द फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट टू कम्पीट एट ओलंपिक्स। तो आपको बताना कि ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर बनेंगे जो कम्पीट करेंगे ओलंपिक्स में, ओके, वेट लिफ्टिंग में। आपको ये बताना कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। सो न्यूजीलैंड। हु हैज बीन नेम्ड एज एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एट वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया। किसे एम्बेसडर बनाया गया, उपासना कामिनी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, एंड अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसके आपको हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। मैक्रो लैम्बर्टेनी इसके डायरेक्टर जनरल हैं, याद रखें। उपासना कामिनी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उज्ज्वला सिंघानिया भी आपको याद होगा, फिकेस लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजिडेंट चुनी गई हैं। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट डेज याद रखें, इंटरनेशनल वीडियो डे 23 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, एंड यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे भी 23 जून को ही ऑब्जर्व किया जाता है। सो आफ्टर दिस जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन थे उनके आंसर्स मैं शेयर कर लेता हूँ। ओके, गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड बनाई गई है नतालिया वोदानिया हुआ, ये आप याद रखें। MD एंड CEO ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मदन वेंकटा राव, याद रखें मदन वेंकटा राव। ओके, सौरभ गर्ग UIDAI के CEO बने, इम्पोर्टेंट है। जो ट्रेडिंग कंपनी है अलिस्टा UAE में, इसको इन्होंने अपॉइंट किया सुरेश रैना को ब्रांड एम्बेसडर। फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी ऑफ US आर्मी बनी है US आर्मी क्रिस्टियन वर्मथ, याद रखें। न्यू गवर्नर ऑफ गोवा बने हैं सुनील अरोरा, जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। ओके, एंड एक्सटर्नल ऑडिटर जनरल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स जीसी मुर्मू साहब, हमारे जो कंट्रोलर हैं ऑडिटर जनरल हैं। नेस्कॉम के जो फर्स्ट वुमेन चेयरमैन है रेखा एम मेनन। अजय सेठ को लाइक डायरेक्टर ऑन सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI अपॉइंट किया गया, अजय सेठ। CMD ऑफ अर्थ भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड अमित बैनर्जी, एंड रविंदर जडेजा को बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ASICS जापान बेस्ड कंपनी, रविंदर जडेजा। After this is the question for you. Japanese Miyazaki has recently is in news is a variety of which fruit? तो कौन से fruit का ये variety है जो काफ़ी महंगा भी है, 2,70,000 per kg। तो आपको बताने की किसका variety है।
सो गाइज विद दिस हमने आज के करंट अफेयर्स प्लस आपका रिवीजन प्लस हमने हरियाणा के करंट अफेयर्स रिवाइज किए। उम्मीद करूंगा वीडियो सब अच्छे लग रहे हैं। वीडियोज अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करा करें, बाकी अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखें। मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ विद न्यू क्वेश्चंस विद न्यू स्टेट। थैंक यू गाइज, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, सी यू सून, एंड इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करें।